काम करते हैं 24 घंटे। हम भी 24 एक मिनट हम भी 24 घंटे काम करते हैं। हम लोहा कूटते हैं, हम ओवन निकालते हैं। हमारे हाथ देखो, अब हमारी 8,000 की अवस्था है। 2,000 में आप गुजारा कर भी क्या कहेंगे कि लोग तो भूखे मर रहे हैं और मेरा मंदिर बनवा रहे हैं। जब घर में अन्न ही नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान राम के तो 25 दिनों पे चलते ही नहीं। भगवान राम ने तो अपने माता पिता के लिए 14 साल का बनवास दे दिया था, इन्होंने क्या दिया? इलेक्शन आप मानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है? बैलेट पेपर से होने चाहिए हमारी मांग। ये नहीं होना पेंशनों उसमें तो मशीन में बैलेट पेपर से होने चाहिए जहाँ भी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप सभी को चारों तरफ एक बार दिखाना चाहूंगी जो संख्या इस समय तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग मौजूद है और इनसे पूछेंगे खास कि किस कारण ये लोग आज यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है तो आप सोच चुके होंगे कि शायद कहीं ना कहीं इनकी मांग भी बहुत बड़ी होगी या फिर जो भी है। हम इनसे खास बात करेंगे। खास तौर पर अभी जो हम बात करना है तमाम पंजाब के लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिसके कारण आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कुछ चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में? पंजाब से आए हैं, रिटायर एम्प्लॉई हैं, FCI के, EPS के। इस स्कीम के जो 95 में जो फैसला हुआ था, कोर्ट ने फैसला किया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा लागू नहीं कर रही। और हमें पेंशन चाहिए 75+ DA, हम 75+ DA प्लस मेडिकल, और सभी के लिए चाहते हैं जो पुराने हैं, नए हैं, 2014 से पहले वाले भी हैं और बाद वाले भी हैं, सबको बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। तो आप लोग की पेंशन नहीं मिल रही, इस वजह से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? इसलिए आए। 2000 सिर्फ 2000 पेंशन मिल रही है। 2000 पर राशन तो दे रही है ना मोदी सरकार आप लोग? हमारा हमारा करोड़ों रुपया, 9-10 लाख, 1,000 करोड़ रुपया EPF का हमारा जमा है, वो उसका गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है। अच्छा। और किसी को दे रही है, अपने स्टेटों में खर्च कर रही है। आपको कैसे पता कि गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर रही है? क्या पता देश के विकास के लिए कर रही होगी वो काम? रोज टीवी में सुनते हैं हम। टीवी में इसको इतना दे दिया 3,000 लड़का, हमने तो 40 साल नौकरी की है लेकिन हमें पेंशन नहीं मिल रही। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी सरकार लागू नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का तो मानेगी गवर्नमेंट है, ये कैसी गवर्नमेंट है? अंग्रेज से भी आप ही लोगों ने जिताया है, उस केंद्र में बिठाए हुए सभी को। हम आप नहीं बिठाएंगे, पहले गलती कर चुके, अब जो हमें पेंशन देगा वो राज करेगा। अरे देश की जनता कह रही है हर घर मोदी, आप लोग कैसे हटा देंगे उनको? हर घर मोदी तो पंजाब में हमने निकाल दिया। इलेक्शन हुए गलत खिलाफ है इलेक्शन, उस पर आप मानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है? बैलेट पेपर से होने चाहिए हमारी मांग। ये नहीं होना पेंशनों उसमें तो मशीन में बैलेट पेपर से होने चाहिए जहाँ भी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो। गारंटी है देश का कि भाई मोदी सबसे भारी है। फिर हम तो अपना हक मांग रहे हैं, मोदी हो चाहे कोई सरकार हो, हम तो अपना हक मांग रहे हैं पैसे के लिए। तो लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार से बीजेपी जीती है आप लोग? दो बार मौका दे, कब देंगे? जब करोड़ों पे चले जाएंगे। हमारे जुबा को पूछ रहे हैं डैडी आपकी पेंशन कितनी है, हम क्या बताएं? अगर हम मर गए, हमारे मरने के बाद लखनऊ के भी पैसे नहीं होने, लोगों से इकट्ठे करके हमारा दाह संस्कार होगा। मोदी क्या मोदी बस मोदी मोदी तो हमारी जबानी का है। पंजाब को उसने क्या दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, आपने पंजाब को क्या दिया है? पंजाब को इंडिया का बोलो, इंडिया की बात करो, इंडिया का कुछ नहीं दिया। FCI क्या दिया है? पेंशन वाला हमें 2,000 रुपया मिलता है। 2,000 रुपये में क्या इनके MP हैं जब रिटायर होते हैं, इनको 5-5, 6-6 लाख रुपया पेंशन का मिलता है। अरे पूरे 24 घंटे वो लोग काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। काम करते हैं 24 घंटे। हम भी 24 एक मिनट हम भी 24 घंटे काम करते हैं। हम लोहा कूटते हैं, हम ओवन निकालते हैं। हमारे हाथ देखो, अब हमारी 8,000 की अवस्था है। 2,000 में आप गुजारा कर लोगे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप 2,000 में गुजारा कर लोगे? अच्छा, जिस राम मंदिर की इतने तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर अब बन तो गया, आप लोग खुश रहिए। भगवान राम भी क्या कहेंगे कि लोग तो भूखे मर रहे हैं और मेरा मंदिर बनवा रहे हैं। जब घर में अन्न ही नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान राम के तो 25 दिनों पे चलते ही नहीं। भगवान राम ने तो अपने माता पिता के लिए 14 साल का बनवास दे दिया था, इन्होंने क्या दिया? आप कहते हैं नोटबंदी, हमने नोटबंदी से क्या लेना है? हमने 70 से क्या लेना है? जब हमारे पेट में अन्न ही नहीं होगा तो हम ऐसे मोदी को क्या करेंगे? हमने मेट्रो से क्या करना है? हमने मेट्रो से क्या करना है? हमने फैक्ट्रो से क्या करना है?
राशन भी नहीं दे रही आप लोगों को? कौन राशन दे रहा है? कौन राशन? राशन मिल रहा है अमीरों को, राशन मिल रहा है अमीरों को। मैं नबे का रहने वाला हूँ, जिनके घर में एक ना चूल्हा भी नहीं जलता ना, मैं आपको एफिडेविट दे सकता हूँ, उनके घर में हर हर तीन महीने बाद राशन पहुँचता है। करोड़ों जनता खुश है कि देश का प्रधानमंत्री राशन दे रहा है। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, बकवास, नहीं दे रहा। कौन राशन, किसका? मुझे राशन नहीं मिलेगा। क्या मैं वोट नहीं डालता? क्या हम वोट नहीं डालते? क्या हम वोट नहीं डालते? चीनी भी कौन देता है? लोगों को कणक मिलती है, वो भी सिसरी वाली। जैसे कुत्ते को तू तो राशन हमें तो हक चाहिए। हमारे बंदे को नौकरी दो, आप कमाएंगे, अपने बल पर जिएंगे। अच्छा, G20 हो गए, पांचों राज्यों के चुनाव हो गए, अभी तक आप लोग की बात तो सुनी नहीं गई है। आने वाले दिनों में 24 के लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? भैंस के आगे बीज बनाने का फायदा है कोई? भैंस के आगे बीज बनाने का फायदा है कोई? वो पागल हुए अपने अपने बल से, अपनी माया से पागल हुए। उसको क्या गरीब दिखता है? वो ठुड्डा मार रहे हैं गरीब को। गरीब के परिवार से आए हैं, आपको तो समझना चाहिए। वो भी कहते हैं गरीब आदमी को मैं समझता हूं। हमको नौकरी दो, हमारे हमारे सारे हिंदुस्तान को लोग मांगे ना, लोग अपने बल पर खड़े हों। हैं हाँ जी, पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, आप हमारी आवाज़ पूछने के लिए आए। ठीक है, हमारे को 2,000-3,000 रुपया पेंशन मिल रही है, उससे आप बताओ कि हम अपना परिवार पाल सकते हैं? इतने 2-3 हज़ार रुपये में इसका विकास हो रहा है? देश की जनता ही कह रही है कि हमारा विकास हो रहा है। विकास भी जनता के साथ ही होता है। हमने भी 35-40 साल नौकरी करके देश के विकास के लिए अपना टाइम दिया है ना। ही विकास है, वो भी तो विकास के लिए है। जो हम जो सीनियर सिटीजन जो जहाँ अपने अपने 200 किलोमीटर से आए हैं, जहाँ उनको कोई तकलीफ है तभी तो आए हैं ना। जे क्या देगा हमें पुल, जब मेट्रो क्या देगा हमें? क्या विकास किसके बोले पे? हम जो पेट में नहीं है कुछ तो विकास क्या, कैसे विकास बन? कर्नाटक ना, कर्नाटक दौरो पिंचनी भाला कमी, बड़ोरगे भाला शक्ति रिटायर्ड आगे तंद्रिया उठाते पिंचनी जास्ती। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज तमाम राज्यों के अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद है, इसकी पेंशन बहुत कम है, इसके ना घर का गुजारा नहीं होता। 7,500 ग्रेड डी ए ला के मेडिकल हॉस्पिटल मिलना चाहिए ता इन्हें बच्चों का गुजारा होंगे। नहीं 3,000-2,000 रुपये इन्ना गुजारा नहीं होंगे यार, 2,000 रुपये तेल ही खा जाने। सर क्या लग रहा है आज के धरना प्रदर्शन के बाद, आप लोग तमाम जो उम्मीद लगा के बैठे सरकार से, आवाज़ आगे तक जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसको लोगों की तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? उसके लिए हम तो जो हमें पेंशन देगा उसे वोट देंगे। जो सरकार कांग्रेस सरकार वादा कर रही थी कि हम देंगे आप लोगों को, कोई भी सरकार हो जो पेंशन देंगे हम उसको वोट डालेंगे। लगातार वो हार रही है कांग्रेस, फिर हारी जाए तो इलेक्शन ही गलत हो रहे ना। मशीनों से नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन मशीन से नहीं होने चाहिए, बेल्ट पेपर से हो तो जीत जाते।